मैं इस टाइम बाबा जजीरे पे मौजूद हूँ, जो कि शहर से तकरीबन कश्ती के थ्रू 20 मिनट की ड्राइव पे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इतना दूर आने का सिर्फ एक मकसद था, क्योंकि एक केस था जो कि हमारी टीम की तरफ से हमें मिला और मैंने कहा कि इनकी मदद की जाए। तो प्लीज़ आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी एक बहन है जिनको यहाँ पे कैंसर है। बाबा ये दिखाओ तो, इनको बड़ी मुश्किल हालात में यहाँ पे इनको यूरियन की नलकी वगैरह लगी हुई है, जहाँ से यूरियन वगैरह पास होता है, और 8 महीने से लगी हुई है सिर्फ इस ऑपरेट की वजह से। अच्छा, डॉक्टर ने इनको लिख के दिया है 29 तारीख को के ऑपरेट का। अच्छा, ये एक हॉस्पिटल है, नाम मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, दिखाना। डेट पहले एक 75 बोले थे, एक 75 था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप 1.5 लाख रुपए दे दीजिएगा, हम इनका ऑपरेट वगैरह करवा देंगे। बच्ची को कैंसर है और अम्मा ने रिक्वेस्ट की थी, इनके घर में कमाने वाले कोई भी नहीं है। यहाँ पे 2 कमरे हैं, 2 कमरों में तकरीबन 3 फैमिलियाँ रहती हैं, और ये लोग सिर्फ अपना गुजारा करते हैं मछली पकड़ के। लेकिन जून जुलाई में यहाँ पे मछली पकड़ना पाबंदी होती है हुकूमत की तरफ से। इनके पास जितने भी अखराजात थे इस बच्ची के ऊपर लगा दिए हैं, और इस टाइम फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब हैं। एक छोटा सा घर है और ये एक जजीरे के ऊपर हम मौजूद हैं। और अम्मा मुझे बताओ, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर सर्जरी कराइंदा, सर्जरी कराइंदा। हाँ, ओके। अम्मा कह रही है कि डॉक्टर ने कहा इनकी सर्जरी होगी, लेकिन हमारे पास इतने अखराजात नहीं है कि हम इनका ऑपरेट वगैरह करवा सकें। क्योंकि मैं इससे पहले बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स में चेक करवा चुकी हूँ, लेकिन जितने भी हमारे पास जमा पूंजी थी, थोड़ा बहुत जमा हुआ था, वो सारा हमें बेचना पड़ा। तो प्लीज़ मेरी लोगों से दरख्वास्त है, अगर कोई आना चाहता है मैं आपको लोकेशन देने के लिए तैयार हूँ, इनका घर आके विजिट कर सकते हैं। और प्लीज़ इनकी मदद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो हालात देख रहा हूँ ना, तो वो सिर्फ मैं जानता हूँ। तो प्लीज़ इस कार्य खैर में लाजमी अपना हिस्सा डालें। अल्लाह हाफ़िज़।